नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं मैं नोटिफिकेशन नंबर 38/2023 के बारे में, जो कि 4 अगस्त 2023 को इशू हुआ है। यहां पे गवर्नमेंट ने CGST रूल के अंदर अमेंडमेंट कर दिया है और 2023 का सेकेंड अमेंडमेंट है ये CGST रूल का। बहुत सारी चेंजेस करी है, लगभग 18 पेज की ये अमेंडमेंट है। इसके अंदर आज मैं बात करने वाला हूँ, पॉइंट नंबर 12 पे देख सकते हैं, ये है चेंजेस, जहाँ पे बताते हैं कि अगर 3B में और 2B में डिफरेंस हुआ तो आपको नोटिस आएगा, उसका रिप्लाई देना पड़ेगा। रिप्लाई नहीं देते हैं तो आपसे रिकवरी की जाएगी, डिमांड रेज किया जाएगा और पेनल्टियाँ लगाई जाएगी। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। चलिए समझेंगे डिटेल में कि कैसे नोटिस आएगा और किस प्रकार से आप रिप्लाई दे सकते हैं, फॉर्म कैसा होगा नोटिस का और रिप्लाई का, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। उससे पहले बताना चाहूंगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कॉन्टेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, यहाँ पे बात करें रूल 88, एक नया रूल इंसर्ट किया जा रहा है रूल 88C के बाद। 88C के बाद रूल 88D इंसर्ट किया जा रहा है ये, ठीक है। जहाँ पे बताते हैं कि जो डिफरेंसेस है इनपुट स्क्रिप्ट जो अवेलेबल है ऑटो जनरेटेड सिस्टम के अंदर और जो इनपुट स्क्रिप्ट अवेल्ड किया है रिटर्न में, उस केस में कैसे उसको डील किया जाएगा। तो सब रूल 1 के अंदर बोलते हैं रूल 88D के कि जो इनपुट स्क्रिप्ट अवेलेबल है रजिस्टर्ड पर्सन को रिटर्न के अंदर, जो रिटर्न फर्निश करेगा GST या 3B में, वो एक्सीड नहीं होना चाहिए जितना इनपुट स्क्रिप्ट अवेलेबल है ऑटो जनरेटेड सिस्टम फॉर्म GST या 2B के अंदर। मतलब जितना 2B के अंदर इनपुट है उससे जो आपने 3B में क्लेम किया वो एक्सीड नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए 3B में आपने 100 रुपये लिया और 2B में 80 रुपये है, तो आपने ज़्यादा ले लिया, तो इस केस में आपको नोटिस इशू किया जाएगा। यहाँ बोलते हैं कि अगर अमाउंट एक्सीड होता है तो आपको फॉर्म DRC-01 के अंदर नोटिस इशू किया जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिकली नोटिस होगी जो आपको ईमेल पे भी देखने को मिलेगी, GST पोर्टल पे भी देखने को मिलेगी। इससे कम ले लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि 80 रुपये है 2B में तो 80 रुपये ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। और अगर आपने 100 रुपये लिया है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान के चलो आपका कैरी फॉरवर्ड का इनपुट था या कोई ऐसा इनपुट था जो आपने नहीं लिया, उसको रिवर्स कर दिया, लेकिन बाद में आप उसे रीक्लेम कर रहे हो, उस केस में 3B के अंदर इनपुट एक्सीड हो जाएगा जितना 2B में है, उसका आपको रिप्लाई देना होगा, क्योंकि उस तरह के केसेस में आपको नोटिस इशू हो जाएगा। तो यहाँ पे बोलते हैं कि देखो, जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस के बेसिस पे आपको नोटिस इशू होगा, और नोटिस के अंदर बोलते हैं कि जो अमाउंट एक्सेस लिया है उतना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा 3B के अंदर इंटरेस्ट के साथ, जो सेक्शन 50 के अंदर इंटरेस्ट है, ठीक है, या फिर DRC-03 के थ्रू पे कर सकते हो, या फिर जो डिफरेंस है उस डिफरेंस का आपको रीज़न देना पड़ेगा, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि डिफरेंस किस वजह से है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रीक्लेम तो नहीं कर रहे हो आप, पहले रिवर्सल किया था फिर रीक्लेम कर रहे हो, तो उस तरह के डिफरेंसेस का आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, और ये विद इन द पीरियड ऑफ 7 डेज के अंदर आपको ये रीज़न देना पड़ेगा। सब रूल 2 के अंदर बोलते हैं कि रजिस्टर्ड पर्सन जब उसको इंटीमेशन रिसीव हुआ डिफरेंसेस का, तो वो क्या कर सकता है, या तो वो इक्वल अमाउंट पे करे जितना अमाउंट एक्स्ट्रा लिया है ITC पार्ट ए के अंदर DRC-03 में फुल्ली या पार्टली इंटरेस्ट के साथ, जो सेक्शन 50 के अंदर इंटरेस्ट है, या फिर DRC-03 के थ्रू पे कर सकता है, और DRC-01C के अंदर पार्ट बी में उसकी डिटेल को भर सकता है, और DRC-03 के थ्रू भरोगे तो डिटेल पार्ट बी में जाएगी, या फिर आपको रिप्लाई देना पड़ेगा जो भी डिफरेंस है उसका रीज़न देना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा इनपुट स्क्रीड क्यों लिया। पार्ट बी में DRC-01C पार्ट बी में आप इसका रिप्लाई देंगे। और दोस्तों, इसके बाद सब रूल 3 की बात करें तो बोलते हैं कि देखो, अगर आपने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, कोई भी रिप्लाई फर्निश नहीं किया
जो आपको नोटिस रिसीव हुआ था, कौन सा नोटिस, DRC-01C वाला, उसका आपने कोई भी रीज़न नहीं दिया, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, रिप्लाई नहीं दिया, तो 73-74 के अकॉर्डिंग डिमांड रेज हो जाएगी और आपसे टैक्स अमाउंट की रिकवरी की जाएगी। जो टैक्स अमाउंट होगा वो तो देना ही पड़ेगा, साथ में पेनल्टी भी लगा देंगे, तो टैक्स और पेनल्टी, टैक्स पेनल्टी इंटरेस्ट, ये सब भरना पड़ जाएगा आपको 73-74 के अंदर अगर प्रोसीडिंग हुई तो। ये तो समझ लिया हमने रूल के बारे में, अब मैं आगे समझाता हूँ आपको, फॉर्म दिखाता हूँ, जो फॉर्म DRC-0, देखो ये है फॉर्म DRC-01C जो कि रूल 88D के अकॉर्डिंग है, ठीक है। यहाँ बोलते हैं इंटीमेशन देंगे आपको इनपुट स्क्रिप्ट जो अवेलेबल है ऑटो जनरेटेड सिस्टम के अंदर, ये स्टेटमेंट में, और जो आपने इनपुट स्क्रिप्ट लिया है रिटर्न के अंदर, उसके बीच जो डिफरेंस है उसके लिए आपको ये नोटिस इशू किया जाएगा, और ये सिस्टम जनरेटेड नोटिस होगा, सिस्टम ऑटोमेटिक जनरेट करके आपको भेज देगा, ठीक है। यहाँ पे बेसिक डिटेल आएगी, फिर यहाँ बोलेंगे कि इन्होंने नोटिस किया है कि जो आपने रिटर्न 3B फाइल करी है उसमें एक्सेस ITC ले लिया है जो अवेलेबल है 2B के अंदर, तो उसका आप रीज़न दो क्यों है। यहाँ पे बताएंगे कि कितना इनपुट 2B में है और कितना आपने लिया, और यहाँ पे जो एक्सेस लिया है उसकी डिटेल आएगी। तो यहाँ पे बोलेंगे कि भाई आप DRC-03 के अंदर इसको जमा करा लो जो डिफरेंस है, और उसकी डिटेल पार्ट बी में भर दो, या DRC-01C के अंदर इसको भर सकते हो, इसके टैक्स की पेमेंट कर सकते हो। तो पार्ट बी में देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है रिप्लाई फर्निश करेगा पर्सन, मतलब टैक्स पेयर जो है पार्ट बी में इसकी रिप्लाई जाएगा, पार्ट ए में नोटिस होगा, पार्ट बी में रिप्लाई यहाँ पे देना पड़ेगा। तो आपने अमाउंट पे कर दिया है तो बताओगे कि आई हैव पेड द अमाउंट इक्वल टू द एक्सेस इनपुट क्रेडिट अवेल्ड, जो आपने एक्सेस इनपुट क्रेडिट अवेल कर लिया है उस अमाउंट को, जितना अमाउंट पे कर दिया उसकी डिटेल जाएगी, ठीक है। DRC-03 के थ्रू पे किया तो उसका ARN नंबर आएगा, फिर जितना जिस हेड में पे किया उसकी डिटेल, या फिर आपको यहाँ पे रीज़न देना पड़ेगा कि डिफरेंस का रीज़न क्या है, यहाँ पे आप एक्सप्लेन करोगे, तो इसमें से कोई एक ऑप्शंस को सेलेक्ट करोगे। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे इनपुट क्रेडिट नोट अवेल्ड इन अर्लियर टैक्स पीरियड, मतलब इनपुट क्रेडिट जो है वो पहले नहीं लिया था, गलती से पीछे के पीरियड के अंदर इनपुट क्रेडिट नहीं लिया था, भूल गए थे मिस्टेक से, तो उसकी वजह से लिया है, या ITC इम्पोर्ट ऑफ गुड्स का है जो कि रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा 2B में, ITC इनवर्ट सप्लाई SEZ का है जो कि रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा 2B में, उसके वजह से है, एक्सेस रिवर्जल कर दिया ITC का प्रीवियस टैक्स पीरियड में उसके वजह से है, क्लैरिकल मिस्टेक हो गया उसके वजह से, या कोई भी अदर रीज़न आप यहाँ पे दे सकते हो। बेसिकली आप डिटेल दोगे और रीज़न दोगे, और जो भी रीज़न दोगे उसके लिए आपके पास उसका रिकन्सिलेशन होना चाहिए, इनवॉइस वाइज डिटेल होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है, जितना भी आपने एक्स्ट्रा लिया या कम लिया है। तो समझ गए दोस्तों, ऐसे आपको यहाँ पे जब 3B या 2B में डिफरेंस होगा तो आपको रिप्लाई देना होगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे माता।